हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे साइंस का, दैट इज़ बायोलॉजी से हम लोग चैप्टर 6 यानी टिश्यूज़ का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे टिश्यूज़ क्या होता है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फंडामेंटल ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था, जो कि सेल्स को कहा जाता है। हमारा बॉडी जो है वो सेल्स से बना हुआ होता है, छोटे छोटे सेल से, हजारों हजारों सेल से मिलकर के बनता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़े थे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़े थे। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होता है, जो सारा बेसिक फंक्शन को वो परफॉर्म करता था, सिंगल सेल। जैसे एग्जांपल था एमोबा, एमोबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते थे, ठीक है, और सारे सेल्स का कुछ ना कुछ अपना फंक्शंस होता था, सब स्पेशलाइज्ड होता था, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को अंजाम देते हैं, काम करते हैं कुछ फंक्शंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली बाय अ पर्टिकुलर फंक्शन, ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशियंटली। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। जिस तरह से सारे सेल्स का अपना अपना काम है, नर्व सेल का काम है मैसेज कैरी करना, ब्लड सेल का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, एंड सो ऑन। इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी वास्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर प्लांट्स। प्लांट्स के भी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड को, वाटर को ले जाने के लिए टिश्यूज़ का ज़रूरत पड़ता है। और टिश्यूज़ क्या होता है, जब सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं कोई पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, कोई काम को करने के लिए, तब उस कलेक्शन ऑफ सेल्स को ही हम लोग टिश्यूज़ बोलते हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेवर, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाई अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशियंसी ऑफ द फंक्शन। कोई भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को पूरा करने के लिए बहुत सारे सेल्स क्लस्टर बनाते हैं, टुगेदरनेस करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं। और जब सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तभी उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू बन करके वो उस पर्टिकुलर काम को बहुत एफिशिएंटली पूरा करता है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। ब्लड एक टिश्यू है, टिश्यू का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आप ब्लड बोल सकते हैं। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है प्लांट के बॉडी में, फ्लोएम भी एक टिश्यू है, ठीक है। और मसल भी एक टिश्यू है जो पर्टिकुलर काम को पूरा करता है हमारे बॉडी के लिए। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में ही सेल्स होते हैं और दोनों में ही टिश्यूज होते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होता है वो स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है एक जगह पर, वो मूव नहीं कर पाता है, एक ही जगह पर रहता है, ठीक है, और स्ट्रेट रहता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, के पास बहुत सारा सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, और सपोर्टिव टिश्यू में डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। एनिमल जो है फूड के तलाश में घूमता है, रिप्रोडक्शन करता है और शेल्टर भी बनाता है अपने लिए, घर रहने के लिए घर भी बनाता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, और एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी लगता है प्लांट्स के तुलना में, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टिश्यूज दे कॉन्टेन आर लिविंग, और एनिमल्स में जो ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होते हैं, और प्लांट में डेड टिश्यू भी, डेड सेल्स भी काम करते हैं, और एनिमल में सारे लिविंग टिश्यू रहते हैं। और एक डिफरेंस क्या है, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन होता है प्लांट में, और एनिमल में जो है ऐसा नहीं है। ये देखिए, द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, कुछ रीजन्स में ग्रोथ लिमिटेड होता है प्लांट्स में,
वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है. देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. बहुत सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं प्लांट में जो थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट के थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में अपने आप को डिवाइड करते चलते हैं. दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजियंस. और डिवाइडिंग कैपेसिटी के अनुसार ही प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है, ग्रोइंग टिश्यू और जिसको मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी कहते हैं और परमानेंट टिश्यू. तो वही हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स. तो प्लांट टिश्यू को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. जो पहला है वो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. कुछ स्पेसिफिक जगहों में ही प्लांट का ग्रोथ होता है. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू. तो अगर डिवाइडिंग टिश्यू बोला जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि डिवाइडिंग टिश्यू का मतलब हुआ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट. जिस पार्ट से ग्रोथ होता है, जैसे ये अनियन का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जो रूट्स है यहाँ पे रूट्स का ग्रोथ होता है. तो एक स्पेसिफिक जगह का ग्रोथ हुआ तो यहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू काम करता है. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल लैटरल इंटरकैलरी. तो जिस जगह पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू काम करता है उसके हिसाब से मेरिस्टमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई किया जाता है. एज एपिकल कहा जाता है एक जगह पे, लैटरल कहा जाता है एक जगह पे, इंटरकैलरी कहा जाता है. ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में. एपिकल मेरिस्टम ऊपर के भाग में है, इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ नीचे है और एकदम नीचे में लैटरल मेरिस्टम है. न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टम इट्सेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू. धीरे धीरे ये पहले एपिकल कहा जाता है, इंटरकैलरी कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो टिश्यू ग्रो करता है तो वो बाकी अदर टिश्यूज की तरह ही बन जाता है आगे चलकर. एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. स्टेम और रूट का जो टिप होता है, ग्रोइंग टिप्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होता है. जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये स्टार्टिंग टिप है उसका, स्टेम का हो चाहे रूट का हो. एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. और क्या करता है वो एपिकल मेरिस्टम, क्या करता है, लेंथ को, स्टेम का लेंथ को और रूट को बढ़ाता है. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम. और बीच में जो है, जो स्टेम को बढ़ाता है, स्टेम का जो गर्थ को है, ये जो मोटाई जो है इसका, मोटाई रूट का मोटाई और स्टेम का मोटाई जो है, थिकनेस जो है, उसको जब बढ़ाया जाता है तो वो होता है किसके द्वारा, वो होता है लैटरल मेरिस्टम के द्वारा. उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड. और ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये नोड के पास दिखाई देता है. सेल्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. शक्तिशाली न्यूक्लियाई होता है इनके पास. दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स थोड़ा कम होता है. इसके बाद है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या होता है? What happens to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form permanent tissue. जब meristematic tissue divide करने का ability को, क्षमता को खो देता है, meristematic tissue dividing tissue ही है, उसका काम ही है divide होना, लेकिन जब वो divide नहीं कर पाता है तब वो permanent tissue बन जाता है. This process of taking up a permanent shape, size and function इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. और इस चीज़ को जब वो परमानेंट शेप साइज ले लेता है, फंक्शन ले लेता है, तब उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. इसके द्वारा बहुत सारा परमानेंट टिश्यू
डेवलप होने लगता है। इसमें इसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू का जो पार्ट है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस जो होता है वो ऊपरी भाग होता है, प्लांट का जो बाहरी कवर होता है जहाँ पे ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ऊपर का स्किन। ठीक है, तो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो उसके ही नीचे रहता है ज़्यादातर। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर आपसे सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम पूछा जाएगा तो आप पैरेन्काइमा बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन वॉल्स। इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका थिन सेल वॉल्स होता है, सेल वॉल्स जो होता है वो बहुत पतला होता है पैरेन्काइमा में। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर फाउंड। और पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल होता है वो लूजली पैक्ड रहता है, उनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनके बीच में सेल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है। दीज टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, और पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, इन सम सिचुएशंस इट कॉन्टेंस क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो किसी किसी कंडीशन में वो क्लोरोफिल उस जगह में स्पेस में, खाली स्पेस में क्लोरोफिल भी स्टोर होता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम भी पूरा करता है। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और जब ये काम करता है, जब क्लोरोफिल को स्टोर करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तब उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरेन्काइमा। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम टू फ्लोट। हम लोग प्लांट देखे होंगे, एक्वाटिक प्लांट जो कि तालाब में होता है, पौंड में हम लोग देखे होंगे या पानी में देखे होंगे, तो उनका जो स्टेम्स होता है, उनका जो बॉडी होता है उसके अंदर में बहुत खोखला जगह होता है जिसमें हवा भरा हुआ रहता है, कैविटीज़ जिसको बोलता है, कैविटीज़ मतलब खाली जगह। तो इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बीच में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ रहता है, खाली खोखला जगह रहता है ताकि वो फ्लोट कर पाए। सच पैरेन्काइमा टाइप इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा, और ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, फोटोसिंथेसिस का काम करे, वो है क्लोरेन्काइमा। और ऐसा पैरेन्काइमा जिसके बीच में कैविटीज़ हो उनको बोलते हैं एरेन्काइमा। एकदम ध्यान में रखना है अच्छे से समझ के। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कोलेन्काइमा। और प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, प्लांट जैसे इधर झुक जाता है फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो इधर झुक जाता है फिर खड़ा हो जाता है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें वो एक परमानेंट टिश्यू के कारण है और जिसका नाम है कोलेन्काइमा। ठीक है, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। और इसी कोलेन्काइमा के वजह से प्लांट्स जो है कभी भी झुक जाते हैं, कभी भी टेढ़ा हो जाते हैं, फिर भी उठ जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, कौन ना, कोलेन्काइमा। ठीक है, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। देयर इज वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। फिर उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा आता है। यहाँ पे जो कोलेन्काइमा का जो फिगर है वो 6.4B में है, ये जो 6.4B, इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। और प्लांट को जो हार्ड और स्टिफ बनाता है उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हम लोग ऊपरी कवर देखे हैं कितना हार्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटोस टिश्यू, ये स्क्लेरेन्काइमेटोस टिश्यू से ही बनता है। तो हार्डनेस जो प्रोवाइड करता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, और इसका सेल्स जो है वो डेड होता है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन।
Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. Figure 6.4c. इसमें एकदम ही स्पेस नहीं रहता है जिसके वजह से ये हार्डनेस मेंटेन करता है, ठीक है। तो ए में है पैरेन्काइमा और बी में है कॉलेन्काइमा, सी में है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। What you observe is the outermost layer of the cells called epidermis. इसको ध्यान में रखना है, जगह जगह पे epidermis का वर्ड का यूज़ होता है। epidermis का मतलब होता है outermost layer of the cells, ठीक है। वो बाहरी जो layer होता है सेल का, ऊपरी layer जो एकदम बाहर में रहता है, उस layer को epidermis बोलते हैं, एकदम last का skin, बाहर का covering। The epidermis is usually made up of single layer of cells, और ये एक single layer of cells का ही बना हुआ रहता है। plant, ये अगर पेड़ है तो इसके किनारे एक पतला सा layer रहेगा cells का, बाहरी cover, जो कि epidermis कहलाता है। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection of water against water loss is critical. तो जब dry places में, बहुत dry जगह में, सूखे जगह में जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे अगर पेड़ होता है तो उसका जो एपिडर्मिस होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक होता है, ताकि पानी का जो लॉस है उसको वो रोक पाए, पानी को वो स्टोर करके रखता है, बचाता है पानी के लॉस को। द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरा सरफेस प्लांट, बोला ना मैंने, प्लांट का पूरा जो बॉडी का सरफेस है किनारे किनारे, वहाँ पूरे ही में आउटर कवरिंग रहेगा एपिडर्मिस का। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और ये एपिडर्मिस जो है ये बाहरी आउटर मोस्ट कवर होता है, जो इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। और जो एरियल पार्ट है, हवा में जो पार्ट है प्लांट का, उसमें जो एपिडर्मिस रहता है उससे वैक्सी टाइप का एक लिक्विड आता है आउटर सरफेस में। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और ये पानी के लॉस को बचाता है, मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है, इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंगी से भी बचाता है। और इसका जो रोल है वो प्रोटेक्टिव टाइप का है, सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये ज़्यादातर फ्लैट टाइप का होता है। तो एपिडर्मल जो टिश्यू होता है, एपिडर्मल सेल जो होता है, वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट के बॉडी को और उसके अंदर के पार्ट्स को। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो लीफ है, पत्ते हैं, उसमें भी एपिडर्मिस होता है ऊपर का कवर में, तो हम लोग उसमें छोटे छोटे दाना देख सकते हैं, छोटा छोटा पोर्स, छोटा छोटा होल्स देख सकते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टोमेटा हमेशा पूछा जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है स्मॉल पोर्स होता है, जो कि लीफ के ऊपर में बॉडी पे पाया जाता है, देखने को मिलता है, ठीक है। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाई टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। और स्टोमेटा को जो है वो दो किडनी के शेप में सेल्स उसको कवर करके रखता है, जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। गार्ड सेल जैसे किडनी सेल, किडनी की तरह दो उसको कवर करके रखा, और बीच में उसके स्टोमेटा है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स, ठीक है। इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोसफेयर। और स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा के जरिए ही प्लांट्स का जो लीफ है, प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, जैसे ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये स्टोमेटा के हेल्प से ही प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या हो गया? स्टोमेटा का फंक्शन ये हो गया कि दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस, गैस के एक्सचेंज करने के काम में स्टोमेटा हेल्पफुल होता है। ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और दूसरा फंक्शन उसका है ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टोमेटा और उसका फंक्शन, स्टोमेटा का यूज़ क्या है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
वाटर जो है वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है प्लांट के बॉडी से। वो कहाँ से होता है? वो स्टोमेटा के जरिए होता है, स्टोमेटा से होता है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स हुज फंक्शंस इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स में होता है, जिसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, वो जो होता है वो एक ज़्यादा एरिया में फैला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है पानी को एब्जॉर्ब करना। फैला हुआ है तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होता है, जैसे कैक्टस हो गया, डेजर्ट प्लांट्स आप लोग कैक्टस देखे होंगे, तो इसको ये डेजर्ट प्लांट इसलिए बोलता है क्योंकि ये डेजर्ट में होता है। डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, तो पानी नहीं रहता है। तो ये जो एपिडर्मिस है, इसमें जो एपिडर्मिस है वो बहुत वैक्सी और मोटा रहता है, एलोवेरा के जैसा। अंदर में पल्प जो है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है एपिडर्मिस का, ताकि पानी के वेस्ट को ये बचा पाए, पानी को रोक पाए अपने में, इसलिए वो थिक होता है। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो भी बहुत चेंज होते जाता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू था, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। हम लोग अभी तक जितना भी टिश्यू पढ़े उसमें सारे एक टाइप के सेल्स से बने हुए हम लोगों को मिला। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक ही टाइप के सेल्स से बना हुआ जो टिश्यू होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसमें बहुत अलग अलग टाइप का सेल्स मिल करके बनाया जाता है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सारे सेल्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक कॉमन फंक्शन को पूरा किया जा सके। एक ही फंक्शन के लिए काम करता है वो अलग अलग सेल, जो कि एक टिश्यू में होता है, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कोई भी एक टिश्यू है, समझ लो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसमें अलग अलग टाइप का सेल्स मिलेगा तुमको, अलग अलग टाइप का सेल्स, लेकिन सब मिल करके एक ही काम को करेगा, ठीक है? यही बोल रहा, कॉमन फंक्शन होता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इन दोनों के बीच डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल। ये एक बंडल की तरह होता है और कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू माने ये कुछ कैरी करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कुछ कैरी करने वाला टिश्यू है, समझे? वास्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरिस्टोरियल इन्वायरमेंट। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स वेन मैच्योर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो जाइलम का मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली इन द प्लांट्स बॉडी। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ सेल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम
लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना नीचे से ऊपर तक, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीफ से, लीफ में फूड बनता है, लीफ से पूरे बॉडी तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम है और ये जाइलम का काम है। तो जाइलम याद आप ऐसे रखेंगे, जाइलम जौ से जाइलम और जौ से जल, तो जाइलम जो है वो जल को कैरी करता है पूरे बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में, और फ्लोएम फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, फूड को कैरी करने वाला जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे दोनों को, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है ये। इसके बाद हम लोग अभी एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे।